और चलो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। तो मेरे साथ है मेरे कुछ छोटे दोस्त और इनको लेके जाते हैं किनगोड़े खाने के लिए। इनको पसंद है किनगोड़े, ठीक है। देखो इस बच्चे ने एक बिल्कुल अच्छी बात बोली है कि यार पहले घूमने में मज़ा आता था, अभी बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अभी यही बताएगा मज़ा क्यों नहीं आता। बता मज़ा क्यों नहीं आता तेरे को अब घूमने में? अब कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है, और पहले कैसा लगता था? पहले ठीक था, फिर घूमते थे सड़कों में। अच्छा, और गांव में कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है गांव में। गांव में थोड़ा घूमने को मिल रहा है ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बंदे बंदे से। वहाँ पे तो वहाँ पे घर में घर के अंदर ही रहो क्यों? तो यार देखा यार दोस्तों ने कितनी अच्छी बात बोली है कि हमारे गांव, अब समझ में आई आप लोगों को गांव की इम्पोर्टेंस क्या है यार। तो अब शायद जो लोग यहाँ पे नहीं होंगे उन लोगों को लग रहा होगा यार कि काश हम भी इधर विलेज में होते। तो अब इन सब मैंने बोला था आपको लेके चल रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे ये लोग खाने वाले हैं किनगोड़े। तो जिन लोगों को किनगोड़े के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बताएंगे आपको भी। तो यार फाइनली ये पहुँच चुके हम किनगोड़े के पास। थोड़ा पास से दिखाता हूँ, तोड़ के लाओ और थोड़ा दिखाओ इधर और बताते हैं फिर इसके बारे में। तो यार ये है किनगोड़े, इनको बोलते हैं वाइल्ड बेरीज। अभी ये सही तरीके से पकी नहीं है वैसे तो, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप से बहुत छोटा बीज है इसका। तो ये हैं यार कुछ किनगोड़े। तो ये है किलमोड़ा बोलते हैं कोई लोग, किनगोड़ा बोलते हैं इसको। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है बर्बरिस अरिस्टिडा। एंड जो इसकी रूट्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो बहुत लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो इसकी रूट का यूज़ करते हैं वो अपना इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी में। तो अभी तो ये कच्चे हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है वो बताओ ज़रा? खट्टा मीठा, मीठा भी होता है ये? हैं सर मारे देखो सब सब तीन दोस्त हैं। तो बहुत सारी स्टडीज से पता चलता है कि जो बर्बरी सरिस्टिडा होता है या फिर जिसको हम किनगोड़ा बोलते हैं, इसकी रूट्स होती है टाइप 2 डायबिटीज में काफ़ी हेल्प करती है लोगों की। एंड ये बॉडी का इंसुलिन लेवल और उसको प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करती है बॉडी में। एंड हायर बीपी पेशेंट के, जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी मतलब बोलते हैं जिसको कि यार बॉडी रिकवरी रेट जिसको बोलेंगे काफ़ी अच्छा देखा गया कि बॉडी में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो रहा है इसका। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनको हम लोग समझते नहीं है, इनका यूज़ नहीं करते, लेकिन जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर उनको हमको देती है तो हम उस दवाई को एकदम से इजली कंज्यूम कर लेते हैं या फिर उसको बोलते हैं बिलीव कर लेते हैं। तो यार आज भी मतलब काफ़ी, अगर आप कोई अच्छे से देखें रिसर्च पेपर या जर्नल्स कोई पढ़े तो यार इसके बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज उनमें पेपर में है। एंड इसको बोलेंगे हमारा इथनोबॉटनिकल नॉलेज, इसको बोलेंगे कि हमारा पुराना जो हमारे परंपरागत जिसको ज्ञान बोलते हैं ये काफ़ी सजो कर रखना चाहिए, या फिर जो हमारी ये जनरेशन हमारे पूर्वज जो लोग हैं बुढ़े बुढ़े हमारे जितने बुढ़े लोग हैं तो उन लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहिए यार। और यार मुझे लगता है कि कभी कभार कि हम लोगों को तो यार लोगों ने बताया नहीं यार कि ये प्लांट इस प्लांट के लिए यूज़ होता है, ये प्लांट इस प्लांट के लिए यूज़ होता है यार। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगा जो उसमें पूरा का पूरा एक अच्छा सा, और मैंने एक लास्ट ब्लॉग में ही बोला था कि हम लोग आपके जो लिंगड़े होते हैं है ना इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन यार उससे पहले हम लोग घूमने चले गए तो वीडियो हो नहीं पाया। लेकिन यार अब मैं जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा इसके बाद उसमें मैं कन्फर्मली लिंगड़े और हमारे जो दो तीन प्लांट हमारे यहाँ जो प्लांट होते हैं लेकिन मेडिसिनल प्लांट होते हैं तो उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि ब्लॉग के साथ साथ आप लोग कुछ नॉलेज भी गेन कर पाए। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई हमारी छोटी सी मेडिसिन भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर हम उसको उसके अगर हमको यूज़ पता है अच्छे से। सो थैंक यू, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं डेकोरेशन 009। थैंक यू।